जनपद के ग्रामीण क्षेत्र गघा में बुधवार की रात इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार 35 साल के शंभू चरण मौर्य और उनके कर्मचारी 42 साल के संजय पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 6 राउंड फायरिंग करने वाले बदमाशों ने दोनों के शरीर को छलनी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों और ग्रामीणों ने NH-29 पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस हत्या की वजह और कातिलों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि गघा थाना क्षेत्र के कोठा गाँव के रहने वाले शंभू चरण मौर्य ने गघा जानीपुर मार्ग पर मकान बनवाया है। मकान में ही उन्होंने टीवी फ्रिज की दुकान भी खोली थी। गोला थाना क्षेत्र के लाही डाड़ी के संजय पांडे उनके यहां कर्मचारी थे। वे एक माह पूर्व ही उनके यहां काम करने के लिए आए थे। बुधवार की रात शंभू और संजय दुकान बंद कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार नकाबपोष दो बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर 6 राउंड गोली चली, इसमें 4 गोली शंभू को जबकि 2 संजय को लगी। मौके पर 5 खोखे मिले हैं। शंभू को सीने, सिर, चेहरे और गर्दन में गोली लगी है, जबकि संजय को गर्दन व सिर में गोली लगी है। गोली चलाने वाला बदमाश बाइक पर पीछे बैठा था। शंभू और संजय को अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने इसके बाद हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस घटना के बाद दुकान और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि मृतक के परिवार के लोगों से तहरीर ली गई है। घटना के खुलासे के लिए 6 अलग अलग टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। जबकि गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ AK सिंह ने कहा कि सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए टीम गठित कर संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी और दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, मणिपुर रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक शंभू एवं उनके नौकर को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने की हत्या किया गया है। इस संबंध में परिवार वालों से तहरीर लिया जा रहा है। तत्काल FIR लिख के 6 अलग अलग टीम गठित किए हैं। मौके पर ADG जोन, DIG रेंज और SSP आमुज द्वारा एवं थानाध्यक्ष और NCO के द्वारा मौके निरीक्षण किया गया। अलग अलग टीम्स गठित करके उनको दबिश हेतु भेजा जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस मुकदमे का इस घटना को खुलासा किया जाएगा। कल यहाँ गगहा में जो जानीपुर जाने वाला रोड है उस पे एक शंभू मौर्या है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की उनकी दुकान है, उसके सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और उनके घायल शरीर को लेकर के अस्पताल गई। वहां पता चला कि डॉक्टरों ने बताया कि मृत हो चुके हैं। इसी बीच अभी पुलिस वहां छानबीन करने के क्रम में जुटी थी। उनके बेसमेंट में जो उनके गोदाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी और मिली, लेकिन पुलिस ने उसे भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया और उसे भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तरह से ये डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात। दूसरा व्यक्ति जो है पहले वाले मृतक का नौकर है। इस घटना पे जो शोरूम का मालिक है शंभू मौर्य उनके बड़े भाई की तहरीर पर थाना गगहा में अभियोग पंजीकृत हुआ। उनका शव पोस्टमार्टम के बाद आज परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जो लोग दोनों ही स्थानों पर उनके परिजन स्वजन मित्रजन उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पुलिस के लिए ये घटना बड़ी चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जिसकी साइबर सर्विलांस पार्ट SOG और सिविल पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं और हम लोग इस प्रयास में हैं घटना का अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी जितना जल्दी संभव हो सके वो हम करें, क्योंकि जब तक इस घटना का हम अनावरण नहीं करेंगे अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे पुलिस की इमेज पर एक डेंट रहेगा और हम ये चाहेंगे ये डेंट समाप्त हो और अपराधी सलाखों के पीछे हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और पब्लिक में पुलिस के प्रति विश्वास बहाल हो। सर इसमें क्या FIR नामजद दर्ज हुआ कि अज्ञात में दर्ज हुआ? नहीं, उनके बड़े भाई ने अज्ञात FIR दिया है। इसको किस एंगल से पुलिस देख रही है? क्या चुनावी एंगल भी है इसमें? देखिए हम कोई भी एंगल ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं, हम उसको ब्लाइंडली मना कर दें, लेकिन फिलहाल ये घटना कोई चुनावी एंगल से इस नाते नहीं लग रही है। ये विशुद्ध व्यवसायी और बड़े ही विनम्र प्रकृति के व्यक्ति थे, तो इस नाते इसको हम राजनीतिक एंगल से नहीं देखते। इसमें सर हत्या हुई है, सनसनीखेज वारदात हुई, आप मान भी रहे हैं, तो क्या सर इसमें कुछ लोगों को स्पॉट किया गया है? ऐसी बातों को ऐसा है कि
कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनमें से कुछ से पूछताछ भी हो रही, लेकिन अभी किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं है कि जो हम आपको बता सके, या जो डेवलपमेंट है उसको बताना एक तरह से प्री मेच्योर कहा जाएगा। इस नाते अभी हम कुछ आपके चैनल पे कह पाने की स्थिति में नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि पूरी तन्मयता से पूरी शक्ति से पुलिस की टीमें लगी हैं और हम खुद चाहते हैं जितना जल्दी इसका अनावरण होगा, लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी अभियुक्तों की, उतना जल्दी पुलिस की जो इमेज पे कहीं ना कहीं से धक्का लगा है उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों का विश्वास जीत पाएंगे।